ऑन फुटू टबी में आप सबका स्वागत है। आज मैं सागरिका बैनर्जी आप सबको ले चलती हूँ पुष्कर। पता है पुष्कर कहाँ पर है? ये राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जो कि भारत के धार्मिक स्थलों में से एक है। तो चलिए चलते हैं पुष्कर। इस वीडियो में आप सबको मैं वहाँ तक पहुँच कर किस रिसोर्ट में रही हूँ उसके बारे में बताऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में अंत तक। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे गाज़ियाबाद से और दोपहर को करीब 12 बजे तक पहुंच गए थे पुष्कर। हाँ, बीच में एक जगह हमने हॉल्ट किया था जहां पर हमने नाश्ता किया था और उसके बाद हम आगे की ओर निकल चुके थे। Wonderful weather. It's a bright sunny day and we are in a resort. We came here yesterday midnight and was पुष्कर पहुँच कर हमने एक रिसोर्ट में रूम लिया था। ये बेसिकली एक गांव टाइप का फॉर्मेशन किया हुआ है और जहाँ पर इन्होंने टेंट्स बनाए हैं और हट्स बनाए हैं। तो हम लोगों ने वन रूम हट लिया था। वैसे वहाँ पर टू रूम्ड थ्री रूम्ड हट्स भी हैं। तो वहाँ पर हम लोग ने एक नाइट का स्टे किया था। यू कैन सी द हट्स वेरी वेल मेंटेन्ड गिव्स एन इम्पैक्ट ऑफ द विलेज। The ambience is very good. Rajasthani pots, dolls. This is the entire area where different one-roomed huts are there. This is the room where we stayed yesterday. You can see the wall is painted. It's a wall painting.
and I like this place so much that I don't even feel like to go back to my place. I was just thinking about to stay or spend few more days. दिल तो कर रहा था कि वहाँ पर दो चार दिन रह के आऊँ, लेकिन ऐसा हो ना सका. वापस आना पड़ा क्योंकि आफ्टर ऑल वी हैव टू कम बैक टू आवर होम्स वेयर एवर वी स्टे फॉर फ्यू डेज. बट फाइनली वी आवर होम. सो इसी सोच से हम फिर वापस आए अगले दिन.